सो आज हम बात करने वाले हैं रिवर्स शोल्डर रिप्लेसमेंट के बारे में, जो एक शोल्डर की बहुत ही एडवांस सर्जरी है। नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर दिलीप मेहता फिर से आपके समक्ष हूँ, सीनियर कंसल्टेंट शेल्बी हॉस्पिटल एंड 360 डिग्री नी क्लिनिक। सो आज हम बात करने वाले हैं रिवर्स शोल्डर रिप्लेसमेंट के बारे में, जो एक शोल्डर की बहुत ही एडवांस सर्जरी है। यह सर्जरी किन लोगों के लिए बनी है? हु आर द कैंडिडेट्स फॉर रिवर्स शोल्डर रिप्लेसमेंट? सो रिवर्स शोल्डर रिप्लेसमेंट शोल्डर का एक ब्रह्मास्त्र है जो एंड रिजल्ट सर्जरीज के लिए किया जाता है। सो जैसे कि वो लोग जिनका कंधे का जोड़ पूरी तरह से खराब हो गया है और वह हाथ को बिल्कुल ऊपर उठा नहीं पा रहे हैं, या वो लोग जिनको रोटेटर कफ टेयर यानी कि मसल का कंप्लीट टेयर है और वो टेयर को रिपेयर नहीं किया गया है और उस वजह से उन्हें रोटेटर कफ आर्थ्रोपैथी हो गई है। जिन लोगों का कंधे का जोड़ कफ टेयर के कारण पूरी तरह ऊपर चढ़ गया है और जोड़ खराब हो गया है, ऐसे लोगों के अंदर भी हमें एंड रिजल्ट में रिवर्स शोल्डर रिप्लेसमेंट करना पड़ता है। या वह लोग जो एल्डरली उम्र में हैं यानी कि 70 से 80 के दशक में हैं और उनके कंधे के अंदर जो फ्रैक्चर है वह बहुत ही जटिल फ्रैक्चर है और डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन होने के कारण हड्डी जुड़ने के लक्षण कम होते जा रहे हैं, ऐसे लोगों में जहां हमें चांस लगता है कि बोन जुड़ने का चांस नहीं है, उन लोगों में भी हम रिवर्स शोल्डर रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। जानकारी के लिए यह ध्यान में रखना ज़रूरी है कि रिवर्स शोल्डर रिप्लेसमेंट एक एक्सपर्ट लेवल सर्जरी है जो रूटीन सेंटर्स के ऊपर नहीं करी जाती, तो बहुत ज़रूरी है कि हम रिवर्स शोल्डर के बारे में जानें और अपने एक्सपर्ट से उसकी सलाह लें। वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।